अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो ऐसे है वो लिखा है T.S. एलियट ने, और ये लिखा गया था 1919 में और पब्लिश भी 1919 में ही हुआ था। इस ऐसे का जो एम था T.S. एलियट का, वो ये था कि वो ट्रेडिशन वर्ड को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि उस टाइम पे जो इंग्लिश पीपल थे वो ना पसंद नहीं करते थे ट्रेडिशन के बारे में बात करना, क्योंकि वो समझते थे कि ट्रेडिशन जो है उसका मतलब है पुराने राइटर्स को कॉपी करना। लेकिन एलियट ने इस बात को एक्सप्लेन किया और उसने बताया कि ये सिर्फ इमिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है लर्निंग का फ्रॉम ओल्ड वर्क्स। इस प्रोसेस में हम पुराने वर्क से, पुराने राइटर्स से कुछ सीखते हैं, और इसका एक पर्पज़ ये भी है कि हमारे वर्क्स में, हमारे राइटिंग में हमारा ट्रेडिशन ज़िंदा रहे। इसके बाद T.S. एलियट ने क्रिटिसिज्म के बारे में बात की है। वो बताते हैं कि क्रिटिसिज्म होता क्या है और उसका पर्पज़ क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एलियट कहता है कि क्रिटिसिज्म इज़ एज इनएविटेबल एज ब्रीथिंग। वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है। उसके बाद वो बताते हैं कि क्रिटिसिज्म का जो तरीका है ना वो अब चेंज हो चुका है। अब जो क्रिटिक्स है ना वो एनालाइज़ करते हैं कि जो पोइट है वो यूनिक कैसे है, और जो मतलब उसने कुछ लिखा है वो पुराने वर्क से डिफरेंट है या नहीं है, और उसने किसी को कॉपी तो नहीं किया, और उसके पास अपना कोई इंडिविजुअल टैलेंट है या नहीं है। इसके बाद T.S. एलियट बताता है कि जो उस टाइम पे इंग्लिश पीपल थे वो प्लेयर फील कर रहे थे उन वर्क्स को, उन राइटिंग्स को पढ़ने में जिनमें ट्रेडिशन नहीं था या फिर जो ट्रेडिशन से हट के थी, मतलब कि उनको उस चीज़ में खुशी महसूस हो रही थी जो उनके ट्रेडिशन से बिल्कुल हट के थी और जिसमें ट्रेडिशन का नाम निशान में नहीं था। तो यहाँ पर एलियट कहता है कि इट इज़ लाइक अ प्रेजुडाइस बिफोर योर आइज, इफ़ यू वाइप आउट दिस प्रेजुडाइस यू केम टू नो हाउ ग्रेट योर पोइट पास्ट पोइट्स वर। वो कहते हैं कि ये एक प्रेजुडाइस है आपकी आंखों के सामने, अगर आप इसको हटाएंगे तो आप देख सकेंगे कि आपके जो पास्ट पोइट्स हैं, जो कि प्रीवियस आपके राइटर्स हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने ग्रेट हैं। इसके बाद T.S. एलियट कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशन को रॉन्ग समझते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है, क्योंकि ये समझते हैं कि ट्रेडिशन जो है वो सिर्फ कॉपी करना है और नई चीज़ों को ट्राई ना करें। मतलब कि कुछ लोग समझते हैं कि ट्रेडिशन का मतलब है कि हम पुराने राइटर्स को, पुराने वर्क्स को कॉपी करते रहें और आगे कोई नई चीज़ ट्राई ना करें। लेकिन एलियट कहता है कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, इसका जो असल मीनिंग है, जो एक्चुअल मीनिंग है ट्रेडिशन का, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और ये सिर्फ कॉपी करना नहीं है और ना ही इतना आसान है कि हम इसे इनहेरिटेंस में गेन कर सकें। मतलब कि इतना आसान ट्रेडिशन नहीं है कि इसे जो हमें इनहेरिटेंस में मिल जाए, बल्कि इसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद एलियट कहता है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो एक ग्रेट पोइट बन जाए या एक ग्रेट राइटर बन जाए तो उसके पास हिस्टोरिकल सेंस ज़रूर होना चाहिए। मतलब कि हिस्टोरिकल सेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई शख्स अच्छा या ग्रेट राइटर नहीं बन सकता। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई चाहता है कि ग्रेट राइटर बने तो उसको चाहिए कि वो अपने माइंड में तमाम राइटर्स को रखे, फ्रॉम क्लासिकल राइटर्स टू मॉडर्न राइटर्स। मतलब उसको हर हिस्ट्री का पता होना चाहिए अपनी पोइट्री हिस्ट्री के बारे में, कि कौन राइटर कैसा था, उसकी राइटिंग स्टाइल क्या था, मतलब कि उसके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो न्यू राइटिंग है वो पुराने राइटिंग से डिफरेंट नहीं है, और ना ही हम एक न्यू राइटिंग को एक आइसोलेशन में बना सकते हैं, बल्कि हमें तो पुराने राइटिंग्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम नई राइटिंग को बना सकें। इसके बाद एलियट रीडर को एक सजेशन देता है, और वो कहता है कि रीडर को उन बुक्स को रीड करना चाहिए या उन बुक्स को ग्रेट समझना चाहिए जिनमें ट्रेडिशन की बात की गई हो या फिर जिनमें पुरानी राइटिंग्स का टच हो। वो कहता है कि हमें जो हमारे ओल्ड राइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी राइटिंग को ग्रेट समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए गाइड हैं और ये हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे लिखना है या हमने कैसी चीज़ों को समझना है। एलियट क्लासिकल राइटिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड था, और उसका ये भी कहना था कि जो राइटर्स या जो पोइट्स मर चुके हैं या इनकी डेथ हो चुकी है वो असल में मरे नहीं हैं, बल्कि वो अपनी राइटिंग्स में ज़िंदा हैं और हम उनसे बात कर सकते हैं उनकी राइटिंग्स के थ्रू। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो ऐसे है ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था, और इस ऐसे का जो कंक्लूजन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू एलियट कोई शख्स भी अपने ट्रेडिशन से अलग होकर ग्रेट नहीं बन सकता। इस ऐसे का बेनिफिट ये हुआ कि राइटर्स ने अपनी राइटिंग को प्रीवियस या ओल्ड राइटिंग से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको इस ऐसे की समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।